1608 में टेलीस्कोप के आविष्कार ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गैलीलियो गैलीली ने अपने द्वारा आविष्कार किए गए टेलीस्कोप की मदद से पहली बार मून और दूसरे सोलर बॉडीज का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने अपने टेलीस्कोप की मदद से पहली बार जुपिटर ग्रह के विशालकाय मून्स और फिर शनि ग्रह के रिंग्स का अध्ययन किया। आज करीब 400 सालों बाद हमने इस क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है। वर्तमान समय में हमारी धरती में कई विशालकाय ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और रेडियो टेलीस्कोप्स मौजूद हैं, जिनके मदद से हम कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद तारों और उनका चक्कर लगा रहे ग्रहों का अध्ययन करने में सक्षम हो गए हैं। पर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप को धरती से स्पेस का अध्ययन करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी रेंज और एक्यूरेसी काफी कम हो जाती है, जिससे पार पाने के लिए हमने स्पेस टेलीस्कोप का सहारा लिया, जो कि धरती के ऑर्बिट में मौजूद रहकर स्पेस का अध्ययन करने में सक्षम थे। अब इससे आगे बढ़ते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और दुनिया भर के कई वैज्ञानिक हमारे मून के डार्क साइड पर करीब 1 किलोमीटर विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पर आखिर वैज्ञानिक मून के डार्क साइड में रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण क्यों करना चाहते हैं और कैसे ये टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत और डार्क मैटर्स का एक नए सिरे से अध्ययन करने में हमारी मदद कर सकता है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी का एक सब फील्ड होता है, जहां दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन रेडियो फ्रीक्वेंसीज में किया जाता है, जिसकी मदद से हम ऐसे फेनोमेनन और सेलेस्टियल बॉडीज को देख और उनका अध्ययन कर सकते हैं जो कि दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनविजिबल रहते हैं। हमारे धरती में कई विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप्स मौजूद हैं, जो कि लगातार हमारे सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं। पर धरती पर मौजूद लगभग हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स रेडियो वेव्स एमिट करते हैं और साथ ही हमारे धरती का डेंस एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाले कई तरह के रेडियो सिग्नल्स को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे में धरती पर मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स को कॉस्मोस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स का अध्ययन करने के लिए बेहद ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे आकाशगंगा और दूर ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो वेव्स का अच्छे से अध्ययन करने के लिए नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने मून के डार्क साइड में एक विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप बनाने का सुझाव दिया है। दरअसल दोस्तों, हमारे मून पर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और साथ ही ये हमारे धरती से एक तरह से टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से हमेशा इसका एक साइड हमारी धरती की ओर होता है और दूसरा साइड हमेशा हमारी धरती के विपरीत दिशा में रहता है। ऐसे में मून का डार्क साइड पृथ्वी से आने वाले रेडियो इंटरफेरेंसेस से दूर रहता है, जिसके कारण इस जगह से हमारे आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो वेव्स का सटीक अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे में नासा के कई वैज्ञानिकों ने मून के डार्क साइड में मौजूद क्रेटर पर विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने का सुझाव दिया है। इस पर रुचि दिखाते हुए हाल ही में नासा इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स यानी NIAC को इस तरह के किसी विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप को मून पर स्थापित करने के प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी का अध्ययन करने के लिए फंडिंग मिली है। इस फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के किसी विशालकाय टेलीस्कोप को मून पर इंस्टॉल करने में कितना खर्च आ सकता है, इसे मून पर इंस्टॉल करना संभव है या नहीं, ये इंस्टॉल करने के बाद कितने सालों तक काम कर सकता है और इसके मेंटेनेंस में कितना खर्च आ सकता है आदि। मून पर प्रस्तावित इस रेडियो टेलीस्कोप को ल्यूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप नाम दिया गया है, जिसका मुख्य मकसद कॉस्मिक डार्क एजेस के बाद निकले लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स का अध्ययन करना होगा। बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा यूनिवर्स कई डेंस गैसों से भरा हुआ था, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रमुख था। इन गैसों के जरिए बाद में जाकर हमारे ब्रह्मांड के पहले फर्स्ट जनरेशन स्टार्स का निर्माण हुआ था। ऐसे में हम इस पीरियड के दौरान निकले लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव्स का अध्ययन कर हमारे ब्रह्मांड के जन्म और शायद डार्क मैटर के बारे में भी कई अहम जानकारियां जुटा सकते हैं। पर ब्रह्मांड के जन्म के समय निकले इन लॉन्ग रेडियो वेवलेंथ का अध्ययन करने के लिए हमें एक बेहद ही शक्तिशाली और सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत होगी। ऐसे में वैज्ञानिक मून के डार्क साइड में मौजूद 3 किलोमीटर विशाल क्रेटर पर करीब 1 किलोमीटर विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करना चाहते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारे धरती पर मौजूद सबसे विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है, जो कि करीब 500 मीटर विशाल है। वहीं आर्सीबो ऑब्जर्वेटरी धरती पर मौजूद दूसरा सबसे विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप था, जो कि करीब 305 मीटर विशाल था।
धरती पर मौजूद ये विशालकाय टेलीस्कोप कई हजारों रिफ्लेक्टिंग पैनल से बने हुए होते हैं, जो कि रेडियो वेव्स को केबल से लटके हुए इसके मेन रिसीवर की ओर भेजते हैं। पर अपने विशालकाय आकार के बावजूद धरती पर मौजूद ये विशालकाय टेलीस्कोप्स भी 14 फीट से ऊपर वेवलेंथ का अध्ययन कर पाने में सक्षम नहीं है। सामान्य तौर पर धरती पर मौजूद इन रेडियो टेलीस्कोप्स के निर्माण के लिए कई अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और बेहद ही ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। ऐसे में मून पर इसी तरह के रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए जरूरी हजारों रिफ्लेक्टिव पैनल्स और दूसरे रॉ मटेरियल्स को मून तक ट्रांसपोर्ट करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण और महंगा होगा, जिसके लिए सैकड़ों लॉन्चेस की जरूरत होगी। इससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनके जरिए हम बेहद ही कम रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद से मून पर ल्यूनर टेलीस्कोप का निर्माण कर सकेंगे। इसमें सबसे बड़ा सुझाव यह है कि धरती पर मौजूद टेलीस्कोप के निर्माण में उपयोग होने वाले हजारों रिफ्लेक्टिव पैनल्स की जगह ल्यूनर टेलीस्कोप को बनाने में वायर मैश का उपयोग किया जाएगा। वायर मैश के जरिए क्रेटर के सेंटर में एक तरह के रिफ्लेक्टिव शील्ड का निर्माण किया जाएगा, जो कि रेडियो वेव्स को इसके रिसीवर की ओर भेजने का काम करेगा। सबसे शुरुआती मिशन के जरिए सबसे पहले ल्यूनर टेलीस्कोप के निर्माण के लिए जरूरी थिन वायर मैश को मून के सरफेस तक ले जाया जाएगा, जिसके बाद एक दूसरा मिशन नासा के ड्यू एक्सेल रोवर को मून तक ले जाने का काम करेगा। नासा का ड्यू एक्सेल रोवर पहली बार में देखने पर एक सामान्य सा रोवर नजर आता है, पर यह एक बेहद ही खास रोवर है जो कि दो अलग अलग मोड्स में काम कर सकता है। पहले मोड में ये किसी अन्य रोवर की तरह ही अध्ययन और दूसरे काम करने में सक्षम है, पर दूसरे मोड में ये रोवर दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, जहां इसका मुख्य हिस्सा उसी जगह बना रहता है तो वहीं केबल से जुड़ा हुआ इसका दूसरा हिस्सा ऐसे जगहों पर जाकर अध्ययन और दूसरे काम करने में सक्षम है जहां किसी दूसरे रोवर या इंसान का पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये रोवर वैज्ञानिकों को मून के विशाल और खतरनाक क्रेटर और रेडियो टेलीस्कोप को इंस्टॉल करने में काफी मदद कर सकता है। पर इस प्रस्तावित मिशन के सामने कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि इस मेश नेटवर्क का डिजाइन और स्ट्रक्चर बेहद ही सटीक होना चाहिए ताकि रेडियो टेलीस्कोप सही तरीके से काम कर सके, और दूसरा कि ये मेश हमारे चांद के बेहद ही उतार चढ़ाव वाले टेम्परेचर को सहने में सक्षम हो, क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होने के कारण हमारे मून का सरफेस टेम्परेचर दिन के समय 127 डिग्री सेल्सियस तो रात में -173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ऐसे में मून का ये वेरिएबल टेम्परेचर ल्यूनर रेडियो टेलीस्कोप के सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तक नासा ने ल्यूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप को पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में इसे मंजूरी मिलने और एक हकीकत बनने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, पर NISC को मिले फंड से ये साफ है कि इससे ल्यूनर टेलीस्कोप के अध्ययन में काफी तेजी आएगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आने वाले कुछ सालों में एक नासा मिशन का रूप ले सकता है। पृथ्वी के रेडियो डिस्टर्बेंस से दूर मून के डार्क साइड में मौजूद ये विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप अगर हकीकत बन जाता है तो ये आने वाले समय में हमारे ओरिजिन और हमारे भविष्य को काफी हद तक समझने में मदद कर सकता है। ऐसे में नासा के इस रेडियो टेलीस्कोप के बारे में आपका क्या सोचना है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।